नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये कल का जो डिस्कशन हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल जी या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो बहुत बड़ा मंथन हुआ है, उसका कंक्लूजन जो मेरे अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसा कुछ हुआ है कि जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है और उनकी राय, जैसे उनके वक्तव्य से पता लग रहा है, उनकी राय ऐसी थी कि एग्जाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टेंथ की तरह कैंसिल होना चाहिए और वो बहुत वैल्यू रखता है। दूसरी बात, कुछ स्टेट्स ने ऐसी राय रखी है कि अभी एक आध महीने का टाइम लें और फिर एग्जाम को कंडक्ट कराएं, क्योंकि ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्जाम है वो केवल परसेंटेज के लिए नहीं है, वो एग्जाम अगली जो कॉलेज है उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया भी यहीं से बनता है। केवल कॉलेज नहीं, बहुत सारे, क्योंकि अब बच्चे फ्यूचर के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं ट्वेल्थ के बाद में, यानी कि उनकी कई सारी जॉब ऐसी होती है जहां परसेंटेज मायने रखती है, सब्जेक्ट मायने रखता है, ठीक है ना। तो और जैसे जेई वगैरह है तो वहां पर भी वो चीज, हालांकि अब इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मायने रखती है, ठीक है ना। तो जो मेरा कंक्लूजन है वो, बच्चों सभी बातों से सुनिए। झारखंड का आपने सुना ही था, वहां पर एक अजीब सा केस आया कि बच्चों को ही आंसर शीट दे दी जाए, बच्चों को क्वेश्चन पेपर घर के लिए दे दिए जाए और वो किसी भी तरीके से सबमिट कर दें एक दिन में, विद इन डे या चार घंटे के अंदर या छह घंटे के अंदर या जिस तरीके से भी। तो कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है, बहुत सारे प्री बोर्ड इसी तरीके से हुए थे। अब मेरा अपना कंक्लूजन समझिए, जो मैं बताना चाहता हूं कि जो होने वाला है कल, और मुझे ऐसा लगता है वैसा ही होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ट्वेल्थ क्लास का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, लेकिन कैंसिल की तरीके से ही होगा। अब आप इन सारी बातों को बहुत ध्यान से समझें। पहली बात, टेंथ का एग्जाम कैंसिल हुआ था और उन्होंने कहा था कि जो बोर्ड के मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर दिए जाएंगे, क्योंकि टेंथ वाले टीचर्स के पास टेंथ के स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे। ट्वेल्थ के जो टीचर्स हैं, ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं, उनका इंटरनल असेसमेंट पहले से इतना ध्यान नहीं रखा गया। देखिए, टेंथ के बच्चों के जो थे वो साइकिल वन, साइकिल टू, साइकिल थ्री, हाफ ईयरली, ये सब हुआ। ट्वेल्थ में ऐसा बहुत कम चांस होता है, ठीक है ना, और होता भी है तो केवल एक ही चीज टारगेट की जाती है कि या तो ट्वेल्थ बोर्ड, या तो जेई, या तो नीट, या बच्चे के अपने अपने फ्यूचर के एग्जाम, वहां पर वो टारगेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं, 90% तक बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड तक भी उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, और टीचर को भी पता होता है कि कोई बात नहीं बच्चे, आप मेहनत कर रहे हैं ना, अपने तरीके से करते चले जाइए। तो होगा क्या, टेंथ का एग्जाम कैंसिल हुआ है, बोर्ड का कैंसिल नहीं होगा लेकिन कैंसिल के बराबर ही होगा। बस इतना सा अंतर है कि टेंथ वालों के इंटरनल असेसमेंट स्कूल के पास थे या बोर्ड ने प्रोवाइड करा दिए, और ट्वेल्थ वालों के इंटरनल असेसमेंट क्योंकि उनके पास प्रॉपरली नहीं है, वहां से आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। ट्वेल्थ में ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्री बोर्ड में 40% मार्क्स ला रहे होते हैं लेकिन उनकी तैयारी जेई की होती है बहुत तगड़ी, उनकी तैयारी बोर्ड की 90% की होती है, तो वहां पर जो है ना पैरेलल नहीं चला जा सकता। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तो अब हुआ होगा क्या कि इंटरनल असेसमेंट को अब कैसे लिया जाएगा कि बोर्ड स्कूल के लिए पूरी परमिशन देगा कि वो अपना 90 मिनट का पेपर बनाए, एमसीक्यू टाइप में पेपर रखें या वन मार्क का पेपर रखें, और पांच सब्जेक्ट में से कोई तीन या चार सब्जेक्ट को बच्चे को एग्जाम देने की प्रायोरिटी रखें। देखिए, बात वहीं आ गई, टेंथ में भी यही क्राइटेरिया दिया गया था कि अगर किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट में जितने मार्क्स हैं पैरेलल उसी के सभी सब्जेक्ट में उतने मार्क्स लगा दिए जाएं। यहां पर भी यही होगा, बच्चा टॉप तीन एग्जाम देगा या टॉप चार एग्जाम देगा, टीचर उनमें से टॉप दो ढूंढ लेगा या एवरेज निकाल देगा, या फिर जो है टॉप जो मार्क्स वाला एग्जाम है उसे कंसिडर कर लेगा और उसके पैरेलल सभी में एग्जाम चले जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, ध्यान से समझे बच्चे। सपोज करिए आपके पास पीसीएम है और आपके जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। अब बच्चे ने चूज कर लिया कि मुझे फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का एग्जाम देना है, ठीक है ना। तीनों एग्जाम दे दिए, एक बच्चे एक उसमें तीनों में मार्क्स आए 90, 92, 94,
ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि 94 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और 94 के अकॉर्डिंग 2 प्लस या 2 माइनस पांचों सब्जेक्ट में लगा दिए जाएंगे। तो बात वही की वही हो गई, 10th में क्राइटेरिया बोर्ड ने दे दिया था और डाटा बोर्ड ने प्रोवाइड करा दिए थे या स्कूल के पास थे, और यहां पर क्योंकि डाटा है नहीं और अगर है भी तो उनको जो है ना ठीक तरीके से एनालाइज करना बेईमानी होगी, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे जेई के तरीके से पढ़ते हैं, इवन फरवरी तक भी वो अपने तरीके से पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल डिसीजन बोर्ड के लिए मार्च में जाके आते हैं, उससे पहले वो आईआईटी या जेई या नीट या जो भी उनका टारगेट है वहां पढ़ रहे होते हैं, और वो गलत नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है ना। 90 मिनट का पेपर होगा, स्कूल ही पेपर बनाएगा, स्कूल ही कॉपी चेक करेगा, स्कूल ही मार्क्स को बोर्ड के लिए अपलोड करेगा और बोर्ड उस रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा। ये होने वाला है, मुझे ऐसा पक्का लग रहा है। अब एग्जाम कब होगा वो आप थोड़ा सा मैं आपके साथ ही डिस्कशन करता हूं। देखिए जैसे नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, हालांकि साउथ में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो अभी कम नहीं हो रहे हैं, वहां 30,000 के आसपास हर एक स्टेट में नंबर ऑफ केसेस हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड केवल दिल्ली का नहीं है, केवल यूपी का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है, तो इन्हें ऑल ओवर देखना पड़ेगा। यानी कि जो आपका एग्जाम है अगर इसी रेट से कम होते चले गए, हालांकि साउथ में कम नहीं हो रहे, नंबर ऑफ डेथ फिर 4,500 कुछ आ गई है, ठीक है ना, ब्लैक फंगस वगैरह भी एंट्री दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही रेट चलता रहा तो इस रेट के अकॉर्डिंग आपके ये जो एग्जाम है जून में तो बिल्कुल नहीं होने, और जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, और इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टोटल नंबर जो एग्जाम है वो बहुत सारे हैं 12th क्लास के, लेकिन उनमें से करीब 10 या 12 या 15 एग्जाम को प्रायोरिटी दी जाएगी, बच्चे को सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई 3 एग्जाम या 4 एग्जाम और उसके अकॉर्डिंग पहला नंबर लग जाएंगे। यानी कि बिल्कुल ठीक जो केस है वो 10th वाला ही हो गया, केवल इतना सा अंतर रहा है कि उनके मार्क्स टीचर को अपने स्कूल से लेने थे या बोर्ड ने प्रोवाइड किए थे पीडीएफ के थ्रू, और यहां पर 12th के लिए ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है। बहुत अच्छा डिसीजन है ये, बहुत ही वाइज डिसीजन है, बहुत ज्यादा वाइज डिसीजन है कि भाई नहीं, पिछले हम हिस्ट्री से मार्क्स 12th बच्चों के नहीं ले सकते, क्योंकि 12th के जो बच्चे होते हैं और खासतौर पर अच्छे बच्चे और खासतौर पर जेई या आईआईटी या नीट को टारगेट करने वाले जो बच्चे होते हैं वो इस क्राइटेरिया पर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। टीचर को भी इस बात की पूरी समझ होती है, क्योंकि उन्हें वो कहते तो रहते हैं कि भाई तुम हमें फॉलो करो, तुम हमारा एग्जाम दो, लेकिन टीचर को अंदर अंदर पता होता है कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, कर जाएगा, रिजल्ट देगा। ये प्राइज भी उसे ही देते हैं जिसका आईआईटी में नंबर आया हुआ होता है, ये प्राइज भी उसे ही देते हैं जिसका नीट में नंबर आया हुआ होता है। तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, बच्चे के करियर को देखना ही चाहिए, स्कूल फ्रेम बनाता है बच्चे का और फ्रेम बन चुका है, ठीक है ना। तो ये मेरी आप कंक्लूजन निकले हैं, आप फिर ध्यान से समझ लें कि ये जो एग्जाम है वो अगर यही कंडीशन ठीक चलती रही, यानी कि नंबर ऑफ केसेस रिड्यूस होते रहे, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में एग्जाम हो सकते हैं, और पेपर स्कूल में ही बनेगा, एग्जाम स्कूल में ही होंगे, अपने स्कूल में होंगे, कोई बोर्ड नहीं होगा, आंसर सीट भी स्कूल की होंगी, चेकिंग भी स्कूल में ही होगी, और मार्क्स की फीडिंग भी बोर्ड के लिए स्कूल ही करेगा, और वो रिजल्ट फिर बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि टोटल काम तो स्कूल कर ही देगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ना डरे, आप अपने उद्देश्य में बने रहे, मेरे साथ जुड़े रहे और अनअकैडमी के साथ जुड़ जाए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर बच्चों।